हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल. इन टुडेस लेट वी स्टार्टेड विद अवर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज. ओके, यस्टरडे यू वाज कंप्लीटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 1. आई होप आप लोगों को जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग माइंड के अंदर सेट हो गई है. नाउ टुडेस लेट वी स्टार्टेड विद एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, टेक द करेक्ट ऑप्शन. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, वेयर वॉज द एबेकस इन्वेंटेड. एबेकस का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? चाइना, यूएसए या इंडिया? चाइना. सेकेंड, वो मेट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642. किसने जो है वो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया 1642? तो गॉटफ्रिड लेबनिस, जॉन नेपियर या ब्लेज पास्कल. What is the answer? Blaise Pascal. आया था ना मैं. वो मेट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? ब्लेसियल पास्कल ने किया. बराबर. नेक्स्ट, थर्ड, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द US? विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर. कॉमर्शियल कंप्यूटर हमारा वर्ड आया था कहाँ पे आया था? यूनिवैक के अंदर. IBM 701 नहीं, एनिक नहीं, क्या आएगा? यूनिवैक. फिफ्थ, वो डेवलप द डिफरेंस इंजिन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज. आपको पता है डिफरेंस इंजिन. ओके. फिफ्थ, वो डेवलप द पॉपुलेशन काउंटिंग मशीन. पॉपुलेशन काउंटिंग करने के लिए किसने मशीन बनाया था? हरमन हॉलीरेथ, IBM का फाउंडर. ओके, हरमन हॉलीरेथ. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी, नेम द पीपल हु इन्वेंटेड द फॉलोइंग मशीन. ओके, किसने कौन से मशीन बनाया लिखना है. नेपियर्स बोन, इन्वेंटेड बाय द जॉन्स नेपियर. राइट डाउन विथ मी आंसर, जॉन नेपियर. नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजिन. एनालिटिकल इंजिन चार्ल्स बेबेज, CHARLES BABBEJ, चार्ल्स बेबेज. नेक्स्ट है जेकॉर्ड लूम, इट इन्वेंटेड बाय द JM जेकॉर्ड, JACQUARD. नेक्स्ट इट इज Z3, कोनार्ड ज्यूस एंड पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्लेज पास्कल. राइट डाउन द आंसर विथ मी. एक्सरसाइज नंबर बी, वो इन्वेंटेड दिस मशीन्स. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, टर्न योर पेज. एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट ब्लैंक वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. कौन सा हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था? एबेकस, दैट इज इन्वेंटेड इन द चाइना. सेकेंड, इन एन एबेकस द पोजिशन ऑफ ब्लैंक इज चेंज टू एंटर अ नंबर. एबेकस के अंदर किसकी पोजिशन हमें चेंज करनी है नंबर एंटर करने के लिए? बीड्स की. मैं मणका घोड़ी की बात कर रही हूँ, गुजराती में जिसे बोलते हैं मणका घोड़ी. बीड को हमें ऊपर नीचे करके नंबर को एंटर करना है. नेक्स्ट, पास्कलिन एड बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स इज कॉल्ड. पास्कलिन के अंदर जो 8 व्हील्स थे, यहाँ पे मैंने पिक्चर ये रहा, तो इसे क्या बोलते हैं? डायल्स. क्या बोलते हैं? डायल्स. विथ स्पेलिंग लर्न करना है. ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक कैन बी टेकन एज द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी डिवाइस. कौन सा फर्स्ट मशीन था जिसे हमने रीड ओनली मेमोरी बोला था? जेकॉर्ड लूम. ओके, फिफ्थ, ब्लैंक वॉज द फाउंडर ऑफ IBM. कौन IBM के फाउंडर है? हरमन हॉलीरेथ. विथ स्पेलिंग लर्न करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर डी, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स. पिक्चर अंडरस्टैंड करना है एंड राइट डाउन द नेम्स. फर्स्ट इट इज द लेबनिस कैलकुलेटर, सेकेंड इट इज द पास्कलिन, थर्ड इट इज एबेकस, फोर्थ बेबेज इंजिन एंड जेकॉर्ड लूम. ओके, जेकॉर्ड लूम. जेकॉर्ड लूम. ओके, लेबनिस कैलकुलेटर, पास्कलिन, एबेकस, बेबेज इंजिन, जेकॉर्ड लूम. ओके, आई विल रिपीट द स्पेलिंग, LEIBNIZCALCULATUR. लेबनीज कैलकुलेटर, नेक्स्ट इट इज पास्कलिन, PASCALINE. नेक्स्ट एबेकस, ABACUS, एबेकस. नेक्स्ट बेबेज इंजिन, BABBEJ,
apostrophes ENGINGING. Next, check watch loom J ACQUARDLOOM. Next exercise number E, write the full form of the following abbreviations. फर्स्ट है ए बी सी, फुल फॉर्म लिखने हैं. ए बी सी का फुल फॉर्म मैंने बताया था एटेनोसोफ बेरी कंप्यूटर. एटेनोसोफ बेरी कंप्यूटर या मोस्ट टाइम पे ये लर्न करना ही है विथ स्पेलिंग. चलो नेक्स्ट यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. नेक्स्ट IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ओके, तो ये फुल फॉर्म मोस्ट टाइम पे ये लर्न करना है, किसी भी टाइम में पूछ सकती हूँ. आज ही के आज लर्न हो जाना चाहिए. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो हम नोटबुक के अंदर क्लियर करेंगे. राइट डाउन हियर द नोटबुक. Okay, now on the next page, page number 7, values and life skill, find out the place wherein abacus is still used to teach. Abacus कहाँ पे use किया जाता है, तो मतलब कि जो छोटे बच्चे जहाँ पे मतलब जाते हैं, छोटे बच्चे के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के अंदर abacus जो है वो use किया जाता है काउंटिंग के लिए. Applied knowledge, which of the following will you use to calculate large number and why? किसका use करते हैं large number के लिए, abacus, calculator या computer? Computer. एंड नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इन एक्टिविटी अक्रॉस एंड डाउन दिया है. फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन तो एबेकस, अ कंपनी फाउंडेड द हार्मोनोलियत एबी, कौन से आएगी IBM. फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, पास्केलिन. एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द कॉनराड ज्यूस कौन सा था, Z3. अभी डाउन, अप टू डाउन आना है. फुली फर्स्ट ऑटो फुल्ली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक. फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर बिल्ड इन US कौन सा था वो, यूनिवेक. अ कैलकुलेटर बिल्ट बाय गॉटफ्रेड लेबनीज कौन सा था वो, लेबनीज. डन. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप 7th कहाँ पे, 7th ABC प्रोटोटाइप. एंड थर्ड, मेक अ टाइमलाइन ऑफ ऑल द डिवाइस दैट यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, यूनिवेक. डन. सॉरी, ये जो है हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, मेक अ टाइमलाइन ऑफ ऑल द डिवाइस, उसका टाइमलाइन जो हमें फिक्स करना है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो ये पूरा आप लोगों को आज घर पे PDF थ्रू, पहले वीडियो देख लो एंड नेक्स्ट PDF थ्रू कंप्लीट करना है. ओके, तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है. लैब वर्क के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं दिखना है, सिर्फ MS वर्ड कुछ भी करना नहीं है. MS वर्ड के अंदर टाइपिंग करना है, वो हमने सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर टाइपिंग कैसे करना है वो सीखा था. नाउ डायरेक्टली वी एंटर इन अवर नोटबुक. सो ओपन योर नोटबुक, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द फुल वीडियो, आफ्टर देन यू हैव टू बी राइट. ओके, so in your notebook, computer standard 4th chapter number 1, history of computer, write down today's date and page number 1. So here chapter number 1, history of computers, first of all write down the new words. First देखो, पहले सारे new words learn करने हैं, understand. First it is the computer, COMPUTER, computer. Second, pebbles. थर्ड इट इज द कवरीज, COWRIES. फोर्थ डिवाइस, DEVICE डिवाइस. फिफ्थ मैकेनिकल, MECHANICAL मैकेनिकल. सिक्स एबेकस, ABACUS. सेवंथ इनवेंटेड मतलब कि खोज करना. एट पास्केलिन, इट इज द वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टाइप. नाइन्थ मैथमेटिशियन मतलब कि मैथमेटिक्स के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं उसे मैथमेटिशियन बोला जाता है. टेंथ इनक्रेडिबली. इलेवंथ इंजिन. ट्वेल्थ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब कि बिल्ड करना. कंस्ट्रक्शन इट मीन्स बिल्ड करना. एनालिटिकल, ANALYTICAL एनालिटिकल.
14 fundamental 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 15 population 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 मतलब कि वहां पे कितने persons है वन स्टेट के अंदर 16 development 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 develop करना 7 vacuum tube VAC यहाँ पे U है WUMTUB vacuum tube 18 it is the binary 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 next 19 electromechanical ELECTRO electro MECHM NICAL electromechanical नेक्स्ट है ऑटोमेटिक AUTOMATIC ऑटोमेटिक 21 कंसिडरेबल CONSIDERABLE कंसिडरेबल 22 फ्लेक्सिबल FLEXIBLE फ्लेक्सिबल एंड 23 लास्ट कॉमर्शियल COMMERCIAL कॉमर्शियल डन ये थे हमारे न्यू वर्ड्स नाउ कीवर्ड्स माइक्रोप्रोसेसर थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिल्ट इन अ वन सिलिकॉन चिप्स दैट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड वैक्यूम ट्यूब क्या है एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वन टाइप ऑफ डन नेक्स्ट हम हमारी एक्सरसाइज के अंदर आते हैं एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज नंबर बी आप लोगों को यहाँ पे लिखना है नेम द पीपल हु इन्वेंटेड द फॉलोइंग मशीन जो हमने टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट की नेपियर्स बोन्स इट इज इन्वेंटेड बाय द जॉन्स नेपियर analytical engine it is invented by the Charles Babbage Jacquard loom it is invented by the J.M. Jacquard Z3 it was invented by the Conrad Zuse and Pascalin it was invented by the Blaise Pascal done now question answers let's see exercise number E answer the following question first who is called the father of computers कंप्यूटर के फादर को मतलब कि कौन से साइंटिस्ट को फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो बोला जाता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा आएगा आंसर चार्ल्स बेबेज इट मीन्स आप लोगों को चार्ल्स बेबेज का स्पेलिंग लर्न करना है नेक्स्ट नेम एनी टू अर्ली मशीन्स हमारे अर्ली मशीन के नाम लिखने कोई भी टू आप लोगों को यहाँ पे फोर लिखाया है कोई भी टू याद रखोगे तो भी चलेगा स्टोन्स फिंगर्स स्टिक्स एंड कौरीज वेर यूज्ड बाय अर्ली मैन वॉज काउंटिंग डिवाइस स्टोन्स का यूज होता है फिंगर्स का स्टिक्स का एंड कौरीज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द मशीन इन्वेंटेड बाय द जॉन्स नेपियर जॉन्स नेपियर ने कौन सा मशीन इन्वेंटेड किया था उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है फर्स्ट जॉन्स नेपियर्स इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर्स बोन उसने किसका इन्वेंशन किया था नेपियर्स बोन्स ए डिवाइस इज अ रेक्टेंगुलर रोड्स मार्क्ड विद नंबर्स उसने रेक्टेंगुलर रोड बनाए थे पता है आप लोगों को नंबर से मार्क थे जैसे नेपियर बोन मैंने बोला था बोन जैसा उसका शेप है रेक्टेंगुलर टाइप तो पहले उसने कौन सा इन्वेंशन किया वो लिखना है जॉन नेपियर आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा कि इसके बारे में 3 लाइन लिखो तो जॉन नेपियर्स इन्वेंटेड उसने क्या इन्वेंटेड किया नेपियर्स बोन्स ये डिवाइस कैसा था द डिवाइस इज अ रेक्टेंगुलर रॉड्स मार्क्ड विद नंबर्स एंड नेक्स्ट उसकी मदद से क्या हम कर सकते थे इट हैड ऑल्सो डन द सिंपल कैलकुलेशन उसके थ्रू हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे हो गई 3 लाइन्स इसके बारे में जॉन्स नेपियर के जो इन्वेंशन था उसके बारे में फोर्थ डिस्क्राइब्ड हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर क्या है तो हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कहाँ पे बना है US प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर इट वॉज नॉट अ प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं था इट हैज 5 टन्स वेट उसका वेट कितना था 5 टन्स एंड 500 माइल्स ऑफ वायर्स एंड उसकी हाइट लिखनी है 8 फीट एंड 51 फीट इन लेंथ 51 फीट हार्वर्ड मार्क का एक कंप्यूटर फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर इट इज नॉट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसकी वेट लिखना है उसका वायर की माइल्स लिखनी है हाइट लिखनी है एंड लेंथ लिखनी है 8 फीट उसकी हाइट एंड 51 फीट उसकी लेंथ डन तो यहाँ पे मैंने दो
जो इन्वेंशन है उसके बारे में आप लोगों को लिखवाया। एक है जॉन्स नेपियस बोन्स। सेकंड है हार्वर्ड मार्काई। मैं यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर के बारे में आपको 2-3 लाइन जो है वो पूछ सकती हूँ। सो आपको भी रेडी रहना है, भी प्रिपेयर रहना है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, एंड पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखना है। यहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट बुक नोटबुक के अंदर कम्प्लीट करते हैं। आपको PDF इसके साथ मिला होगा। पहले वीडियो कम्प्लीटली देखो, आफ्टर दैट यू हैव टू बी कम्प्लीटेड योर कंप्यूटर चैप्टर 1 PDF टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। इन टूडेज होमवर्क यू हैव टू बी कम्प्लीट योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक फ्रॉम दी PDF। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द वीडियो, डन। तो आज हम कंप्यूटर में चैप्टर 1 में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।